जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज हुआ है जुग जुग जियो। और आज मैं से ही जुग जुग जियो का फर्स्ट कलेक्शन और दूसरी तरफ विराटा परवाम, गॉड से और आंते सुंदरनी की फिल्म का अभी तक के कलेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों अगर आप हो फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंटर के बाद मिलते हैं। बात करती हूँ जुग जुग जियो फिल्मों के बारे में, जहाँ पर यह रहा रिसेंट रिलीज बॉलीवुड का कॉमेडी ड्रामा फिल्म और जिसको मिल रही है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और जहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम से जुड़कर कॉमेडी ट्विस्ट को हाईलाइट करके दिखी है। और अगर इस फिल्म का थिएटर काउंट की बात करूँ तो जहाँ पर इस फिल्म को टोटल थिएटर मिला है 3000 स्क्रीन। और अगर पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो जहाँ पर नंबर वन इसमें बॉलीवुड का यंग एक्टर वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर सभी का परफॉर्मेंस को मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और नंबर टू जहाँ पर इसमें ड्रामा, ह्यूमर और इमोशन को काफ़ी बैलेंस करके दिखाई है। और नंबर थ्री जहाँ पर डायरेक्टर राज मेहता ने एक फैमिली कहानी में काफ़ी अच्छे से कॉमेडी को किया है रिलेट। और ये रहा फुल एंजॉयमेंट वाला फिल्म। और अगर इस फिल्म का नेगेटिव साइड की बात करूँ तो जहाँ पर नंबर वन इस फिल्म का रन टाइम को मिला है नेगेटिव रिव्यू, जहाँ पर कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है जहाँ पर इस फिल्म का कुछ एक्स्ट्रा सीन को अगर एडिट पे काट किए जाते थे तो फिर ये फिल्म ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता। और सेकेंड नेगेटिव साइड की बात करूँ तो जहाँ पर इस फिल्म का कुछ सीन पे ज़बरदस्ती से हंसाने की कोशिश की गई है। और अभी बात करती हूँ कलेक्शन को लेकर, तो जहाँ पर यह फिल्म 150 करोड़ बजट में बनाई गई है। और जहाँ पर इस फिल्म का अपने ओपनिंग डे पर 15,500 टिकट सोल्ड हुआ है। और देखा जाए तो ये टिकट सेल रिसेंट रिलीज कार्तिक आर्यन का भूलभुलैया 2 से 50% कम है, जहाँ पर भूलभुलैया 2 का फर्स्ट डे पर टिकट सोल्ड हुआ था 30K टिकट्स। और ऐसे करके टिकट सोल्ड और एडवांस बुकिंग के हिसाब से अगर बात करूँ फर्स्ट डे कलेक्शन को लेकर, तो जहाँ पर ट्रेड एनालिसिस के मुताबिक ये फिल्म अपने फर्स्ट डे पर 8 से 10 करोड़ का एक डिसेंट ओपनिंग ले सकते हैं, यानि कि वरुण धवन का ये फिल्म एक डबल डिजिट का ओपनिंग लेगा। तो उसे आपको कैसा लगा ये फिल्म और आपको क्या लगता है जुग जुग जियो अपने फर्स्ट डे पर कितना कलेक्शन कर सकते हैं कॉमेंट पर बताइए। और अभी बात करती हूँ आंधे सुंदरनी की फिल्म को लेकर, जहाँ पर यह रहा नचेस्ट नानी और नाजीर नाजिम की कॉमेडी ड्रामा फिल्म और जहाँ पर एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली का कहानी को दिखी है और जिसको पॉजिटिव रिव्यू मिला है, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर एक प्रॉफिटेबल कलेक्शन नहीं कर पाई है ये फिल्म। और जहाँ पर आंते सुंदरनी का बजट था 30 करोड़ और अभी तक ये फिल्म टोटल 14 डेज पर तेलुगु से कलेक्शन किया है 24 करोड़ और वर्ल्ड वाइड पर यह फिल्म टोटल कलेक्शन किया है 38 करोड़। और बताए दोस्तों जहाँ पर नानी का ये फिल्म यानी कि आंते सुंदरनी की को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए अभी भी 10 करोड़ का कलेक्शन उठाना पड़ेगा। और देखा जाए तो यह अभी पॉसिबल नहीं है, यानी कि नानी का ये रिसेंट फिल्म आंते सुंदरनी की बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। अभी बात करती हूँ विराटा परवाम को लेकर, जहाँ पर ये रिसेंट रिलीज राणा दग्गुपति और साई पल्लवी की एक्शन ड्रामा फिल्म रहा और जिस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पर दूसरी तरफ इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ उतना स्ट्रांग नहीं था। और जहाँ पर इसमें नेक्सट पर बेस करके स्टोरी को दिखी है। और अभी तक के कलेक्शन की बात करूँ तो जहाँ पर तेलुगु से विराटा परवाम लगभग 4 करोड़ का कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड पर इसका टोटल कलेक्शन रहा 8 करोड़। और बताए दोस्तों जहाँ पर विराटा परवाम को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए अभी भी 14 करोड़ का कलेक्शन उठाना पड़ेगा। और जो मुमकिन नहीं है, यानी कि विराटा परवाम फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। अभी बात करती हूँ गॉड से फिल्म को लेकर, जहाँ पर ये रिसेंट रिलीज एक्शन थ्रिलर फिल्म रहा, जहाँ पर सत्या देव कंचारना को लीड रोल में नजर आई है और जिस फिल्म को मिला है ज़्यादातर मिक्स टू नेगेटिव रिव्यू। और इस फिल्म का अभी तक की कलेक्शन की बात करूँ तो जहाँ पर गॉड से फिल्म टोटल 5 डेज पर तेलुगु से कलेक्शन किया है 1 करोड़ और दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड पर अभी तक की फिल्म 1 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन दिया है। और देखा जाए तो अपने बजट के हिसाब से इस फिल्म का कलेक्शन काफ़ी लो है, यानी कि गॉड से फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। तो उसे ये रहा गॉड से विराटा परवाम और आंते सुंदरनिकी का अभी तक के कलेक्शन को लेकर। और दूसरी तरफ बॉलीवुड के फिल्म जुग जुग जियो का फर्स्ट डे कलेक्शन प्रिडिक्शन के बारे में, तो उसे इस लिस्ट पर कौन सा आपका फेवरेट फिल्म है कमेंट पर बताइए। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और बॉलीवुड साउथ इंडियन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।